चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों प्यार भरी सत श्रीकाल। मैं हाँ नील कमल, तो अज असी मौजूद हाँ दिल्ली दे विच, जिथे कि अज सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया जिहड़ी किताब है वो रिलीज़ होने जा रही है। इन्हां दे जिहड़े लेखक ने उन्हें डॉक्टर प्रभलीन सिंह जी, इस तो पहला भी अपनी चार किताबों के जरिए ये वख वख शख्सियतां दी जिहड़ी जीवनी है उन्हां दी जिहड़ी प्रेरणादायक स्टोरीज़ ने जिहड़ियां उन्हां दे जीवन दे संघर्ष दीआं कहानियां ने उन्हां नूं लोकां सामने पेश कर चुके ने। ते अज इन्हां दी बुक जिहड़ी है रिलीज़ होने जा रही है। साडे नाल डॉक्टर साहब मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आं। डॉक्टर साहब सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है चढ़दी कला टाइम टीवी। थैंक यू जी। मैं चढ़दी कला टाइम टीवी की सारी टीम का बहुत धन्यवाद करदा, जिहड़े हमेशा ही मेरे सारे प्रोग्रामों च मैनूं सपोर्ट भी करदे ने, कवर भी करदे ने। डॉक्टर साहब अज तुहाडी एक होर किताब पंजवीं किताब सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया वो लॉन्च होने जा रही है, तो किवें दा इस वेले लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आउणगे तो उन्होंने इसकी घुंड चुकाई की रस्म अदा करनी। देखो बड़ी वड्डी गल है कि सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया की जिहड़ी किताब है मेरी पंजवीं, आउटलुक ने छापी है। आउटलुक इंडिया का सब तो वड्डा पब्लिशिंग हाउस है। दूसरी वड्डी माण वाली गल ये है कि सीएम हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी वो इस बुक का विमोचन करन लई आ रहे ने, ते बड़े प्यार सत्कार दे नाल उन्होंने जिहड़ा मैं इनविटेशन जदों उन्होंने देण गया तो उन्होंने कबूलिया, ते मैनूं भी बड़ा अच्छा लगा भी एक सूबे का चीफ मिनिस्टर इन्नी हलीमी नाल और इन्ने प्यार नाल जिहड़ा इनविटेशन कबूल कर रहा है वो साडे लई बड़े माण वाली गल है। तो असीं सारे ही उत्साहित हाँ। तुसीं अंदर देखो इन्नी बारिश के बावजूद भी सारा हॉल फुल है, तिल धरन की जगह नहीं, तो सारे ही बेसब्री के नाल सीएम साहब की जिहड़ी वेट कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब जी गल की जाए, पहला भी चार किताबा तुसी लेके आए, पंजवीं किताब दे विच भी तुसी उना सिख लीडर्स की गल की है जिन्होंने अपनी जिंदगी दे विच मुकाम हासिल किए ने, किवें शुरुआत किवें हुई, तो फिर जदों बड़ी वड्डी गल हुंदी है क्योंकि हर एक परसनैलिटी नूं लभना, फिर उन्हां दी जिंदगी दीआं कहानियां नूं एडिट करना, एक किताब के जरिए लोगों तक पहुँचाना बड़ी मेहनत लगती है, शुरुआत किवें हुई सी? देखो 2018 दे विच गुरु नानक साहब का 550 साल चल रहा सी, हर बंदा अपने अपने तरीके दे नाल उस ओकेजन ते कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा सी वर्ल्डवाइड। मैं भी सोचा भी मैं किवें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकदा क्योंकि मेरा प्रोफेशन एजुकेशन है। मैं थोड़ी जी रिसर्च की थी, तो मैं देखने विच ये समझ आया कि सिखां दे विच जिहड़े प्रोफेशनल्स ने, जिहड़े कोई साडे कोल इदां दा डाटा नहीं है भी जिहड़े प्रोफेशन वाइज लोगों ने एक्सेल किया, तो सानूं पता चले भी किहड़ी स्टेट च किहड़ा सिख की कर रहा है। तो मैं उत्थों ये सोचा भी क्यों ना एक इदा का डॉक्यूमेंट तैयार करिए, रेडी रेकनर तैयार करिए, जिदे विच सानू पता हो भी साडे सिख भरा भी केड़ी केड़ी स्टेट दे विच की काम कर रहे हैं। और फिर जो खोज शुरू की तो एक बड़ी अच्छी कंपाइल होकर किताब प्रोमिनेंट सिख्स ऑफ इंडिया जी तैयार हुई। वो मेरी परमात्मा वालों कृपा रही है कि सारे ने मैं जिन्हों भी अप्रोच किया किसी ने ना नहीं की। उदों उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी होंदे सन, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मान के उन्होंने घर उन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज करके वो किताब रिलीज़ की। उदो मोटिवेशन मिली, बड़ी रिकोगनीशन भी मिली, सारे ने बड़ा एप्रीशिएट भी किया। फिर मैं यूएसए से काम किया, यूएसए के 56 जड़े से इकट्ठे किए, वो वाली किताब जी सी उत्थे कैपिटल हिल्स के रिलीज़ हुई। वो पहली बारी होया भी कोई सिख की बुक जी है पार्लीमेंट के कैपिटल हिल्स के रिलीज़ हो रही है, उतों बड़ा प्यार मिले लोगों का। फिर मैं जो इंडिया आया तो मैं ये समझ आई भी साढ़े को सिखा कोई भी इदा का डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे सानू पता हो साडे यूपीएससी दे विच किन्ने बच्चे ने, केड़ी स्टेट च केड़ा सिख ऑफिसर है, केड़े स्पोर्ट्समैन ने। फिर मैं 100 बंदा वो कंपाइल किया सारे इंडिया दियां स्टेटां चों लभे भी जिहड़े कोई सिविल सर्वेंट सीगे, कोई एंटरप्रेन्योर अच्छे सीगे यंगस्टर्स, ते कोई कमिश्नर दे मैंबर सी, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट सी, तो वो वाली बुक जिहड़ी है वो आई। उन्हां बुकां दे बेस ते मैनूं पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट दिता भी गुरु तेग बहादुर साहब दे 350 सालां ते भी तुसीं एक सानूं पिक्टोरियल बुक कॉफी टेबल तैयार करके दो। उदों मैं आउटलुक दे संपर्क च आया, उन्हां दे नाल प्रोजेक्ट कीता, ते साडी सांझ बड़ी अच्छी बन गई, ते सांझ बनदे बनदे अज इह किताब भी जिहड़ी आउटलुक ने जिहड़ी पब्लिश कर रही है और थोड़ी देर दे विच ही जिहड़ा इहदा रिलीज़ होण वाला है। तुसीं खुद नौजवान हो ते इन्नी रिसर्च करके नौजवानों लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हो, तो खासकर नौजवानों नूं तुहाडे वल्लों की संदेश रहेगा? देखो ये किताबां लिखण दा मेरा कोई मोटिव नहीं है, ना ही मैं इहदे बदले च कुछ चाहुंदा, तो ना ही मैं कोई फाइनैंशियल या मनी मॉडल लैके चलदा। मेरा सिर्फ इक्को एक मोटिव है भी साडी आने वाली पनीरी ये लोगों के जीवनों पढ़े, सक्सैस स्टोरीज़ पढ़े और देखे जे लोग भारत में रह के
भारत की डिवेलपमेंट के भारत की इकोनमी के इन्ना अपना योगदान पा के कोई जीरो तो हीरो बनया, कोई रैक्स तो रिचिज बनया, कोई कितों शुरू होया से अज कितें गया होया, भी इन्हों जीवनियों तो प्रभावित होकर इन्हों फॉलो करन, इन्हों के फुटस्टैप्स से चलन की कोशिश करके वो भी अपने जीवनों मेहनत दे नाल, मेहनत में देखो भागने मेहनत करन, तो इत्थे ही बड़ा कुछ है, कितने बाहर जाने की भी नहीं उन्होंने शायद लोड़ पेगी। डॉक्टर साहब, जिन्हां दी स्टोरीज़ तुसीं बुक के जरिए लोगों सामने लैके आए हो, जो उन्होंने संपर्क होया, गलबात हुई है, किवें दा एक्सपीरियंस रहा, जिवें तुसीं किसी ते रिसर्च की है, तुसीं उन्होंने कॉल की होनी उन्होंने स्टोरी जानने के लिए, तो की फस्ट एक्सप्रैशन रहिंदा रहा उन्होंने लोगों का? देखो, मैनू पहली बुक करन वेले थोड़ी जी एस्टैबलिश होने से प्रॉब्लम आई सी, पर जो मेरी पहली बुक बड़ी अच्छी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पब्लिश की, उस तो बाद एक तुसीं कह लो पहचान बन गई मार्केट के कि इदा का कोई है जिहड़ा इदा दियां किताबां करदा है, तो मैं हुण जदों भी किसी नूं अप्रोच करदा मैं अपनी पुरानियां बुक्स का रैफरेंस देना, वो भी मेरी सर्च करते हैं गूगल से अगों पिछों पुछते हैं, तो मैनूं कोई इदा की कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही किसी ने मना किया, तो मैं उन्होंने यही कोशिश करदा समझा की या उन्होंने कन्वे करन की भी तुहाड़ी जीवन में देख के कई अपने नौजवानों का जीवन है जिहड़ा वो किसी अच्छे पासे लग सकता, तो इसलिए वो मैं कोई भी मना नहीं करता, तो मैं बड़े आराम दे नाल उन्हां नूं मिल के मेल ते फोन ते व्हाट्सएप ते सारी उन्हां तो इनफॉर्मेशन जिहड़ी लै लईदी है। हुण तक तुहाडियां इस समेत 5 किताबां हो गईयां, अगे भी किसी प्रोजेक्ट की तैयारी है या उहदे उत्ते तुसीं रिसर्च कर रहे हो? नहीं, मेरे कोई पुराने 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे सीगे जिहड़े कि कंप्लीट होने वाले ने, तो बहुत जल्द वो भी रीडर्स दे अगे लैके आवेंगे, उदों दसांगे तुहानूं, हले उहनूं सीक्रेट ही रहिण दो। बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत। सो इस सन डॉक्टर प्रबलीन जी, जिन्हां दी अज बुक रिलीज़ होने जा रही है सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया, अज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिहड़े ने उन्हां दी घुंड चुकाई दी रसम अदा करनगे ते लोकार्पण करनगे उस किताब दा, ते खास गल इह है कि वड्डे मीडिया हाउस आउटलुक वल्लों इस किताब नूं जिहड़ा आ उह पब्लिश किया गया है। सो डॉक्टर प्रबलीन उन्होंने काफ़ी मेहनत तो बाद ये जिहड़ियां किताबां ने वो रिलीज़ कीतियां ने, ताकि वह सिख परसनैलिटीज़ जिन्होंने समाज के विच एक वक्रा नाम कमाया, सेवा भी कर रहे हैं, तो उन्होंने लोगों सामने लियाउण दी जरूरत है, उन्होंने एक किताब के जरिए एक एक करके उन्होंने हुण पेश किया है। हालांकि जिस तरह उन्होंने गल हुई है कि अगे भी कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने पेंडिंग ने, उन्होंने बारे आने वाले समय से वो जरूर खुलासा करेंगे। सो तुसी बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल, मैं नील कमल अपने सहयोगी सतीश कुमार सिकरी दे नाल दिल्ली।